अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जो मेरी रेसिपी है सूजी का हलवा, ये मेरी नानों की रेसिपी थी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो ठीक है, हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप इन्हें अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में देसी घी ऐड करूँगी, 3/4 कप। घी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें सूजी ऐड करूंगी। अब मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करूंगी। मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ है क्योंकि मैं हमेशा जो भी चीज़ बनाऊँ ना, जिसकी बुनाई करनी होती है, वो मैं आहिस्ता आँच पर करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको जल्दी हो ना तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। वैसे आहिस्ता आँच पर ना बुनाई करने से ना सूजी का कलर मेरा अच्छा आता है, इसलिए मैं आहिस्ता आँच पर करूँगी। तो चले आए हम फिर शुगर सिरप रेडी करते हैं। ठीक है, मैंने पानी लिया 4 कप और इसे मैं बॉयल होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं जब पानी बॉयल हो गया, मैं इसमें क्रश बादाम और इलायची डाल दूँगी। साथ ही में मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूँगी, 3/4 कप। जैसे ही आप चीनी ऐड करेंगे ना, तो आप इसे अच्छे तरीके से हिलाएँ ताकि आपकी चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बॉयल आने तक पकाऊंगी, जिसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ठीक है, यहाँ मैं सोची कि बहुत अच्छे तरीके से बुनाई हो रही है और आहिस्ता आँच थी इसलिए टाइम लग रहा था। अब आप देख सकते हैं मेरी सूजी का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो अभी मैंने इसकी और थोड़ी बुनाई करनी है। जितना आपको कलर पसंद है ना, आप अपनी मर्ज़ी से उतनी इसकी बुनाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जितना कलर पसंद है मैं उतनी बुनाई करूँगी और मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, आप ये कलर भी चेक कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल कलर जो मुझे अच्छा लगता है हलवे में, तो मैं इतना ही रखूँगी। हाँ जी, जो मैंने शुगर सिरप प्रिपेयर किया था वही मैं अब इसमें ऐड करूँगी। शुगर सिरप ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से हलाएंगे और इसकी लिक्विड को थिक फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, इतने थिकनेस पर हम इसे दम पर रख देंगे। पाँच मिनट के बाद मैंने दम खोल दिया था और ये अब रेडी है। ये रही मेरी नानों की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।